नमस्कार दोस्तों, बचपन में आप में से कई लोगों ने जादू का खेल देखा होगा, जहाँ पे एक जादूगर आता है, एक मुट्ठी में सिक्का भरता है, जादुई मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते सिक्का डबल। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल और हम सब खुश होकर बहुत सारी तालियां बजाते हैं। बट कहीं ना कहीं बड़े होते होते हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये तो सब हाथ की सफाई है। बट फिर भी कई सालों से ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जो कि जादुई रिटर्न्स प्रॉमिस करती हैं, कि रातों रात डबल करने का प्रॉमिस करती हैं और उसमें कई लोग अपना पैसा गंवा बैठते हैं। और रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है ज़रूरत से ज़्यादा लालच, जल्दी से जल्दी अमीर बनने का सपना। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, जहाँ हम आपको ज़्यादा पैसा कमाना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कैसे आप पैसा लगाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ये ज़रूर बताएंगे। बट ये कोई जादुई मंत्र नहीं होगा। मेरा पैसा डबल तो हो ही जाएगा ना सर जी। अरे रुको रुको मेरे दोस्त, ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं। ये बहुत सिस्टमैटिक ढंग से प्लानिंग के तरीके से आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में होगा। और इससे आपने तो सुना ही होगा म्यूचुअल फंड सही है, तो ये सारा रास्ता म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा लगा के जल्दी से जल्दी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और वाकई में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बोला दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक सिस्टमैटिक ढंग से पैसा इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। और जब भी आप कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग करें, इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, उसमें सबसे ज़रूरी होता है एक टारगेट सेट करना कि आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट होता है कि कितने समय में पैसा जमा करना चाहते हैं। तो ये जब तक आपको क्लैरिटी नहीं हो, तब तक आप एक सिस्टमैटिक ढंग से प्लानिंग नहीं कर सकते। तो आज एज्यूम कर लेते हैं हम कि आपका टारगेट है 1 CR, मतलब 1 करोड़ रुपए आप जमा करना चाहते हैं। और हम ये भी सोच लेते हैं कि आप इसको 10-12 सालों में, 15 सालों में इकट्ठा करना चाहते हैं। तो एक रफ फिगर पकड़ लेते हैं, 12 साल या 10 साल में आप इसको इकट्ठा करना चाहते हैं, तो 1 करोड़ रुपये अगले 10 साल में। ये तो हमने आपका टारगेट सेट कर दिया। अब ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आप महीने में कितना पैसा लगा सकते हो, या अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कौन सी स्कीम्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो पहले दो पॉइंट थे कि आपका टारगेट क्या है, दूसरा आपको कितने समय में वो पैसा इकट्ठा करना है, तीसरा आप कितना पैसा महीने में निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, जो आपके पास डिस्पोजेबल हो, हाथ में बचा हो, और चौथा कि कौन सी वो स्कीम्स होनी चाहिए, वो कौन से फंड्स होने चाहिए जो आपके लिए सूटेबल रहेंगे, जो जिसमें आप पैसा लगा के 10 साल में अच्छे से अच्छा रिटर्न पा पाए। तो आइए, जहां टारगेट सेट कर चुके हैं तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम ये जानने के लिए कि कौन सी वो स्कीम्स हैं जिसमें हम लगा सकें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मैंने 10 साल की बात की जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, तो हम थोड़ा एग्रेसिव फंड में पैसा लगा सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी हाई है, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास 10 साल का समय है पैसा लगाने का। तो और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अभी मैं आपको जो भी एक एनालिसिस दिखाऊंगा या जो कैलकुलेशंस दिखाऊंगा, ये सारा का सारा आपका ये सब कुछ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, ना ही किसी तरह की इन्वेस्टमेंट गाइडेंस है। तो इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही सीखें, समझें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आप सब स्क्रीन देख सकते हैं मेरा, और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सारी टॉप स्कीम्स हैं। मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ इक्विटी, क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इक्विटी फंड्स ही हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, और क्योंकि इक्विटी फंड्स में आप सबसे बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। और उसमें भी मैं इक्विटी में सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं मिड कैप फंड्स, जो कि एक एग्रेसिव कैटेगरी होती है। इसमें मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाया जाता है, मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाया जा सकता है, लगाया जाता है इन फंड्स में। तो मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट कि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बना पाएँ। और मैं ये देख लेता हूँ 10वें साल में आप फिल्टर नहीं देख सकते, मैंने 10 साल का फिल्टर लगा दिया है कि, और यहाँ पर मैंने सिप कर दिया है। तो सिप रिटर्न पिछले 10 साल में किस फंड्स ने सबसे ज़्यादा बनाए हैं, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो आप जैसा देख सकते हैं, ये 10th ईयर की रैंकिंग यहाँ पे सॉर्ट हो गई है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इन 10 सालों में कौन कौन से फंड्स ने कितने कितने रिटर्न बनाए हैं। और अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि आप नंबर 1 फंड में ही निवेश करें, और जब आप चुने तो वो फ़ंड नंबर 1 ही साबित हो, क्योंकि ये रैंकिंग्स बहुत
तेज़ी से बदलते रहती हैं, बट फिर भी अज्यूम कर लेते हैं कि आपने अगर किसी में भी लगाया हो, मैं ये पूरी रोल वो कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे आप देख पाएँ, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल ये 10-15 स्कीम्स हैं जो 10 साल पुरानी हैं, मैंने क्योंकि 10 साल के फ़िल्टर में किया है, कई स्कीम्स हैं जो 10 साल से पहले लॉन्च नहीं हुई थी, तो यहाँ पे 0-0 दिख रहा है, तो आप क्लियर कट इसको देख सकते हो कि 10 साल के आसपास के टेन्योर में लगभग ये 10-15 स्कीम्स हैं जो लॉन्च हुई थी और इस तरह के इन्होंने लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दिए हैं। तो और अगर आप ये रिटर्न्स का एवरेज देखो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सबसे ख़राब स्कीम्स में निवेश करा हो आपने, तो अगर आप देखेंगे सबसे नीचे वाली स्कीम ने 13% का रिटर्न दिया और सबसे नंबर वन स्कीम जो 10 साल में नंबर वन रही है उस स्कीम ने लगभग 20% का रिटर्न दिया है, बट कहीं ना कहीं अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपको 17-17.5% का यहाँ पे एवरेज दिखता है कि कितना लगभग, अगर आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप शायद टॉप स्कीम्स भी नहीं कर पाए होंगे और कहीं ना कहीं आप शायद अगर मान लीजिए लो स्कीम्स भी ना हो या आपने इनमें से 2-3 स्कीम्स में किया हो, आपको एवरेज रिटर्न 10 साल में लगभग 17-18% का बन जाता है। तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस तरह के ही रिटर्न्स फ्यूचर में भी आएंगे, ऐसी कोई भी एश्योरेंस नहीं है, ना ही कभी गारंटी होती है म्यूचुअल फंड्स में, बट एक अंदाजे के लिए जब भी, क्योंकि आप कहीं भी कोई भी प्लानिंग करते हैं आपको अंदाजे लेने पड़ते हैं, आपको अजम्पशंस लेने पड़ता है, भले ही एक इंडिविजुअल अपने लिए प्लानिंग कर रहा हो या बड़े कॉर्पोरेट्स कंपनीज जब अपना बिजनेस प्लान करती हैं, एवरीबडी वर्क्स ऑन अजम्पशंस। फ्यूचर प्लानिंग एक आशाओं पे और सोच पे निर्धारित होती है, तो यही हम इसमें लगभग पकड़ लेते हैं कि लगभग 17.5% का एक एवरेज रिटर्न अगले 10 सालों में भी बनाया जा सकता है अगर आप 10 साल तक एक मिड कैप फंड में, जो कि एक एग्रेसिव फंड होता है, उसमें इन्वेस्टेड रहें। तो इसी के साथ अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे सिप में कितना पैसा लगाया जाए कि एक्चुअल में जो हमारा टारगेट है 1 करोड़ रुपये हम कमा पाएं, वो भी 10 सालों में, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो अब आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक सिप कैलकुलेटर है और बहुत आसान है, जिसको हम यहाँ पे ये कई जगह सिप कैलकुलेटर से मिल जाता है, हमने स्क्रीन जानबूझ के कई जगह ब्लर कर रखी क्योंकि हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहते, किसी भी सर्विस को या किसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं करना चाहते यहाँ पे, सो दैट ये पूरा, क्योंकि हमने पूरा एक ट्रांसपेरेंट और अनबायस तरीके से बना रहे तो इस वजह से, तो हम मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये महीने का लगा सकते हो, क्योंकि हमें दिमाग में टारगेट है कि हमें 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है और हम इन्वेस्टमेंट पीरियड ले लेते हैं कि 10 साल में, आप 10 साल के लिए लगाओगे, मतलब हर महीने 10 साल तक, मतलब टोटल 120 मंथ्स हो गए, 120 महीने के लिए आप 10,000 रुपये महीने का लगाओगे और रेट ऑफ रिटर्न तो आपको मालूम ही है, हमने एक्सपेक्ट किया ही है कि भाई 17.5% का लगभग रिटर्न मिल जाएगा अगर हम अगले 10 साल तक लगाएं और एक एग्रेसिव मिड कैप फंड में लगाएं, ये एक अंदाजे के लिए हमने पकड़ा। अब सिंपल सा कैलकुलेट बटन दबा देते हैं तो अब आप देख सकते हो कि ये नीचे वाली जो ग्राफ है ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया भाई, 120 महीने के लिए 10,000 लगाना था, 12 लाख रुपये आपके जमा हो गए, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पैसा आपका 32.5 लाख रुपये जमा हो गया। अब देखिए मज़े की बात है कि हमने 12 लाख लगा दिए, 32.5, तो मोटा मोटा 2.5 गुना से 3.25 गुना के आसपास तो पैसा हो गया, बट अपना टारगेट तो 1 CR है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने टारगेट पे पहुंच जाएं और 10 साल के आसपास पहुंच जाएं और हमें 10,000 रुपये लगाना है, वही हमारा बजट है, उसके आसपास कर जाएं और मिड कैप फंड में लगाएं जिसमें अच्छा रिटर्न भी आए, तो ये सब तो मालूम है, तो अपने रिटर्न को कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए ऐसा जिससे हम अपने टारगेट में पहुंच जाएं सिस्टमैटिक तरीके से, सही ढंग से, है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं म्यूचुअल फंड सही है, तो भाई जब सही है तो रिटर्न्स भी सही होने चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको सिप कैलकुलेटर दिखा रहा था, एक और बहुत बेहतरीन फैसिलिटी होती है सिप्स में, जो होती है सिप स्टेप कैलकुलेटर, स्टेप अप कैलकुलेटर। तो इसमें हम जाते हैं और स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑब्वियसली आप महीने की आज जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप 10,000 की SIP कर रहे हैं, तो अब ऐसा तो होता नहीं कि भाई आपकी डिस्पोजेबल इनकम सेम ही रहेगी, ऑब्वियसली अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे और जब इंक्रीमेंट्स मिलेंगे आपकी आमदनी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो बचत होगी, जो सेविंग्स होंगी, वो करने की पावर भी बढ़ेगी, तो आप 10,000 से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, भाई 1-2 साल आपने 10,000 किया, उसके बाद आप 11-12,000 भी कर सकते हो, फिर कुछ समय बाद उसको बढ़ा के 14-15,000 कर सकते हो, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो। तो एक अजम्पशन लेते हैं कि 10,000 से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, है ना, 10,000 तो हमने स्टार्ट कर दिया, ये अमाउंट मैंने यहाँ पे 10,000 आपका लिख दिया, और ईयरली इंक्रीमेंट को भी मैं 10% पकड़ लेता हूँ, कि भी ज़्यादा नहीं कि 20-25% से बढ़ाएं या 15% से बढ़ाएं, मैं 10%, कि भाई इस महीने 10,000 कर रहे हैं आप और 1 साल बाद इसी को पर महीने आप 11,000 कर देना, है ना, उसके बाद फिर 10-10% हर साल बढ़ाते जाना, ये अज्यूम कर लिया।
और इन्वेस्टमेंट पीरियड हमने पकड़ लिया लेट से 10 साल, कि भाई 10 साल के अगले 10 साल के हमने इन्वेस्ट करेंगे 10,000 करेंगे, बट हर साल 10-10% से बढ़ाते रहेंगे, और रेट ऑफ रिटर्न तो हमने पकड़ना ही है भाई 17.5% हमने अंदाजे के लिए पकड़ा हुआ है, आप कम ज़्यादा भी पकड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप जो लगता है कि आप किस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे और करना चाहेंगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हम 17.5 पकड़ के चल रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया था। तो कैलकुलेट करते हैं, अब आप देखो इन्वेस्टमेंट जहां आपका पिछले 10 सालों में 12 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा था क्योंकि आप 120 महीने के लिए कर रहे हैं, यहां पे क्योंकि आप इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप देखिए आपका 12 लाख नहीं, आपने धीरे 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 चुपके चुपके 19 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए जो कि बहुत पावरफुल है ना। तो आप ये देख सकते हो कहां 12 लाख के 32 बना पा रहे थे, बट थोड़ा थोड़ा पैसा भी बढ़ाते जाएं तो आपने 19 लाख तक पहुंच गए और 19 लाख की वैल्यू 58 लाख ऑलमोस्ट पहुंच गई 17.5 के रिटर्न के हिसाब से, जो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप देखिए कि मुझे तो लगता है कि बड़ा अमेजिंग रिटर्न है कि आपका पैसा 10 साल में 3 times हो रहा है, और वो पैसा भी आप एक साथ नहीं लगा रहे हैं, धीरे धीरे के महीने में लगा रहे हैं, उसको भी महीने के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ा पावरफुल है। और मगर हमारा टारगेट तो अभी भी 1 crore है, तो हमें थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या करो कि आप 10 साल में करोड़पति बन जाओ अपने म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो भाई एक कोशिश हम करते हैं, इस 10,000 को हम 12,000 करके देखते हैं कि भाई अपना टारगेट पूरा करना है, थोड़ा तो स्ट्रेच कर ही सकते हैं। जैसे लाइफ में बहुत सारे टारगेट्स होते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, तो हम थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, तो क्यों ना ये देखा जाए कि अगर 12,000 डाला जाए और उसको थोड़ा थोड़ा करके 10% बढ़ाया जाए और एक एग्रेसिव फंड में डाला जाए 10 सालों के लिए तो क्या रिजल्ट आएगा, तो वो भी करके देख लिया जाए कि क्या हम टारगेट तक पहुँचेंगे। जी अभी भी आप देखो तो 70 लाख तक हम पहुँचे हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 19 लाख से 22 लाख रुपए। अब इसको दोबारा एक और कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं, क्योंकि टारगेट तो आज पूरा करके रखना है। हम इसको कर देते हैं वापस 10,000, है ना, इसको वापस 10,000 कर देते हैं, देखते हैं। और हम ना इंक्रीमेंट भी सेम रखते हैं कि इंक्रीमेंट चलिए 10% ज़्यादा नहीं रखते, कि हर साल 10% बढ़ाना शायद उतना आसान ना हो, हम अपना टेन्योर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि मान लीजिए 10 साल की जगह हमने 12 साल कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि 10,000 इन्वेस्टमेंट तो वही रखा, 10% इंक्रीमेंट किया, 12 साल का हमने इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कर दिया कि भाई 12 साल में मैं करोड़पति बन सकता हूँ कि नहीं, कैलकुलेट करें। और आप देख रहे हैं कि आप करोड़पति बन चुके हैं क्योंकि आप 1.03 crore की वैल्यू दिख रही है जो बहुत ज़बरदस्त है। और आप देखो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 25 लाख के आसपास है और 1 crore की वैल्यू, इसका मतलब है कि लगभग पैसा 12 साल में 4 times हो रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया कि अगर आप 10,000 रुपये 12 साल तक लगा सके और बहुत बेहतरीन फंड में रखें जो आपको 17-18% का रिटर्न दे, 17.5% का एवरेज दे, तो आप आराम से 1 crore रुपये बन सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी जादुई या तिलस्मी कहते हैं ना कि इस तरह की स्कीम्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स भी हर चीज़ के साथ जिसमें मेहनत चाहिए पेशेंस चाहिए, वही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी है जहाँ पर मेहनत चाहिए पेशेंस चाहिए और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म तक आप देखिए इतने समय तक आप निवेशित रह सकें जिससे आपको है ना उतना लंबा आपको फ़ायदा मिला, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिला है ना। और ये सब मैंने 17.5% आपको जो दिखाया है ऐसा नहीं कि ये झूठ है, क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूँ स्कीम के रिटर्न्स, आप यहाँ पे जाके देख ही सकते हैं कि स्कीम के रिटर्न जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, मैं फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ, शायद वो पेज उड़ गया है, मिड कैप फंड सिप के रिटर्न्स आपको करके दिखाए और 10 साल में ये एवरेज में दिखाए, आप देख सकते हो 20, 19, 19, 18, 18 बहुत सारे ज़्यादा रिटर्न्स की स्कीम्स हैं, बट हमने एज्यूम नहीं की, हमने तो 17.5% की ही एज्यूम की है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहा है फिलहाल के लिए। तो 12 साल में तो आप पक्का करोड़पति बन रहे हो, बट एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं, अगर हम इसको 10 साल का ही टारगेट करते हैं, लेट्स से कि ये 10 साल ही में ही भाई साहब हमें 1 crore पे बनाने हैं, तो हम इसको 15,000 करते हैं, क्या 15,000 करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं 10 ईयर इंक्रीमेंट में। आप देखो अभी भी शॉर्ट पड़ रहा है, मतलब आप ये देखो इससे एक और चीज़ पता चलती है कि एक एक दो दो साल बढ़ाने की वजह से भी कितना फ़र्क पड़ता है कि आप इसको अगर ना आप 15,000 रुपये जमा कर रहे हो बट उसके वजह से आप 10,000 एक साल और एक जमा कर लो तो कितना फ़ायदा, मतलब आपको 2 साल में आप करोड़पति बन रहे थे, अब मैं 11 साल करके देखता हूँ तो आप देखो आपने फटाफट आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त रिटर्न के चलते आप 1 crore क्रॉस कर रहे हैं 11 साल में। तो ये कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं इस तरह के, कई सारे सिप कैलकुलेटर्स आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं,
जो कि आपको बड़े आराम से दिखा सकते हैं कि आपको कैसे आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो। ज़रूरत क्या होती है, एक टारगेट सेट करना, उस टारगेट पे डिसिप्लिन के साथ बने रहना, मतलब आप SIP आपने जो कमिट की है उस SIP को महीने महीने करते रहना, और एक अच्छी स्कीम चूज़ करना आपके लिए जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाए, जिससे आप वाकई में बहुत अच्छे तरीके से करोड़पति बन पाएँ और एक बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो बना पाएँ। और ये आपको फालतू की उन स्कीम्स में जल्दी अमीर बनने के जो स्टॉक टिप्स आते हैं SMS में या और भी बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स के प्रमोशनल SMS आते हैं, उन सब में फंसने से बचाता है ना। तो ये तो रही आज की वीडियो, जहां हमने आपको बताया कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के चलते ये देख सकते हैं कि कैसे आप 1 crore पहुंच सकते हो। और मैंने 10,000 में, 12,000 में, 15,000 में आपको अलग अलग इलस्ट्रेशंस दिखाए, तो आप देखिए कि आपके लिए कितना अमाउंट सूटेबल है और कितने समय में आप 1 crore पे जमा करना चाहते हैं और किस तरह की स्कीम आपके लिए सूटेबल है। अगर आप एक स्टार्टिंग आप अभी बस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी एडवाइज़र से मिलें या किसी और फाइनेंशियल प्लानर से मिलें और समझें कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी स्कीम्स, कौन से म्यूचुअल फंड सूटेबल हो सकते हैं, आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है, जिस वजह से आप आपकी रिस्क एपेटाइट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है तो ज़रूर एक्सपर्ट्स की मदद लें और उस हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जहां हमने आपको बड़ा एक सिंपल तरीका और सिस्टमेटिक तरीका बताया, जिससे आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप फटाफट बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और 1 crore रुपये का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। और आगे में हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे जहां हम आपको बताते रहेंगे कि क्या वो सही तरीके हैं जिससे आप बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो, ना कि जादुई और तिलस्मी तरीके जिसमें पैसा शायद आने के जाए गायब हो जाए जादू की तरह। तो यही था आज का वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और फीडबैक दें, बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ गुड डे।